सिंपल तैयार हुई है बिल्कुल, इसलिए बहुत प्यारी लग रही है। ठीक है दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए व्लॉग में। तो गाइस देखो कितनी सुंदर लग रही हैं आपकी अंकिता मैम, मैं इनकी सबसे बड़ी फैन हूँ। हम जा रहे हैं गणपति जी को भोग लगाने, क्योंकि हमारे यहाँ गणपति रखे हुए हैं, काफी जगह रखे हुए हैं, तो ये तो आप इतने अच्छे तैयार हुए ये करने के लिए। हाँ, तो अपने भगवान जी के पास अच्छे से बन के जाएंगे। जैसे आप जन्माष्टमी पे राधा रानी बने थे तो गणपति जी के पे भी बने हो। हाँ, नीचे लड्डू है इसमें, और ये पूरा क्रेडिट निशा को जाता है, क्योंकि निशा ने पूरा 1.5 घंटा लगा के जय बाबा जी की सभी को ये माला बनाई है। मैं आपको दिखाएंगे गणपति, मैं आपको। और मम्मा भी तैयार हुई हैं, देखो मम्मा, जय बाबा जी की। अभी देखो गणपति जी के यहाँ, चलो लेट हो जाएगा ठीक है, क्योंकि वहाँ की आरती शुरू होने वाली है, इसलिए चलते हैं। निशा नहीं जा रही क्या? नहीं नहीं, निशा मंदिर में भोग लगाना। अच्छा हाँ, चलो आप लोग एक बार कमेंट करके बता दो कि कैसी लग रही हैं दीदी। सिंपल तैयार हुई हैं बिल्कुल, इसलिए बहुत प्यारी लग रही है। दोबारा करो। चलो आओ मामा, आओ मामा। हम लोग घर से निकल गए और मैम की चप्पलों की तरफ थोड़ी नजर डालो। कह रही हैं अगर वहाँ चप्पल खो गई तो इसलिए नॉर्मल घर की चप्पल पहन के आई हैं, और हम सभी घर की चप्पल पहन के आए वैसे तो आदमी तो है ही ना भगवान जी के पास जाकर। हाँ सुंदर लग रही हो वैसे। ओके, रोज लहंगा पहनोगी क्या? रोज लहंगा पहनूंगी, रोज पूजा में जाऊंगी। अच्छा देखते हैं आपके पूरे 11 दिन कैसे रहते हैं। सो फाइनली गाइस पहुंच चुके हैं अपने गौरी पुत्र गणेश जी के पास। देख लीजिए कितनी सुंदर मूर्ति स्थापित की गई है। सही में गणेश जी की मूर्ति देखकर तो ऐसा लगता है, मतलब मन इतना ज्यादा अच्छा हो जाता है कि आप लोग खुद देखते हैं तो खुद सोचते होंगे इतने अच्छे रंगों से इन्हें सजाया जाता है कि रंग देख करके मन का रंग भी एकदम चेंज हो जाता है। गाइस देख लीजिए इतना प्यारा पंडाल लगा रखा है। दीदी पता नहीं मेरे से क्या कह रही है कि अभी समय लगेगा माला देने में, इस वजह से जब तक हम लोग आरती कर देते हैं उसके बाद बीच में ही वो चढ़ा देंगी। दीदी जा रही हैं अब अपना सामान उनको देने के लिए, बोल रही हैं कि सामान ले लीजिए। माला लेकर आई थी और भोग लेकर आई थी, अब हमारे गणेश जी को माला चढ़ेगी जो हम लेकर आए हैं और निशा द्वारा बनाई गई है। देख लीजिए वो भैया माला निकाल रहे हैं और वो माला चढ़ाएंगे। अब इतनी खुशी हो रही थी देख करके, माला निशा द्वारा बनाई गई है और काफ़ी बड़ी माला थी और बिल्कुल साइज़ एकदम ठीक बैठा। यही सोच रहे थे हम कहीं छोटी ना पड़ जाए, क्योंकि छोटी पड़ती है तो यही होता है, माला मूर्ति के हाथ पर पहनानी पड़ जाती है। लेकिन साइज़ देखकर मुझे तो नहीं लग रहा था कि माला छोटी पड़ेगी, और ये पहना रहे हैं बस बाबा जी अच्छी लगे बाबा जी पर माला। ये देख लीजिए साइज़ एकदम अच्छा बैठा, और देख लीजिए माला पहनाने में बहुत दिक्कत हो रही थी क्योंकि मूर्ति काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी, और देख लीजिए माला का साइज़ कितना परफेक्ट बैठा है। निशा को धन्यवाद करते हैं यहाँ पर हम, और आगे बढ़ाते हैं इस प्रोसेस को। उसके बाद चढ़ाना है हमारा दिया हुआ डब्बा, और ये देख लीजिए दीदी कर रही हैं आरती यहाँ पर, बज रहा है देवा श्री गणेशा देवा श्री गणेशा। गाइस जिससे आरती हो रही है, सच में ये दीपक बहुत ज़्यादा भारी था और एक हाथ से तो पकड़ा ही नहीं जा रहा था, मुझसे तो एक हाथ से पकड़ा ही नहीं गया। दीदी ने पकड़ लिया और कर ली अपने बाबा जी की आरती। दीदी ढूंढती हुई मुझे, लेकिन मैं तो दीदी को ही रिकॉर्ड कर रही थी, पूछ रही हैं कि कहाँ है मम्मी, मैंने बोल दिया मम्मी वहाँ खड़ी हैं। तो देख लीजिए अब मैं आरती कर रही हूँ। गाइस देख लीजिए एक हाथ से नहीं पकड़ा जा रहा था जैसा कि मैंने आपको बताया था, इसलिए दोनों हाथ से पकड़ के मैं अपने बाबा जी की आरती कर रही हूँ, और वही चल रहा है देवा श्री गणेशा देवा श्री गणेशा। आरती हो चुकी है, सभी को प्रसाद बांटा जा रहा है बस, और बहुत सारा प्रसाद इकट्ठा हो जाता है सब लोगों के देने से। देख लीजिए आरती लेते हुए सब, हमारे सनातन धर्म में ऐसे ही होता है, आप लोग देख लीजिए इसी तरीके से पूजा होती है, और बॉम्बे में तो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा माना जाता है, तो और भी अच्छे से सारा प्रोसेस होता है। बट भगवान तो ना यहाँ चेंज होंगे ना बॉम्बे में चेंज होंगे, तो भगवान है। और मैं हूँ मिसेज लेट लतीफ़, मैं हर चीज़ में लेट हो जाती हूँ, और ये व्लॉग भी मैं इतने टाइम बाद एडिट कर पा रही हूँ क्योंकि थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई थी, और कर रही हूँ ये मैं रात के 2 बजे एडिट, और मुझे देखकर इतना अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं वहीं पहुँच गई हूँ। प्रसाद बट रहा है इतने अच्छे से, सभी लोग प्रसाद लेने के लिए देख लीजिए कैसे विचलित हो रहे हैं। हमारी दीदी को मिल गया प्रसाद और दीदी मेरे तरफ बढ़ती हुई, और मैंने भी प्रसाद लिया था, मम्मी ने भी प्रसाद लिया था। निशा आई नहीं थी यहाँ पर क्योंकि भोग लगाना था, और ये प्यारी सी बच्ची यहाँ पर नाची थी इतने अच्छे गाने पर, मान रहे हैं वो गाना भगवान का नहीं था लेकिन बहुत प्यारा नाची थी ये लड़की, और गाना मुझे अभी तो याद नहीं आ रहा है। आप लोग ही स्टेप देखकर कमेंट करके बताओ कि आखिर ये कौन सा गाना हो सकता है। गाइस देख लीजिए इतनी खिलखिला कर नाच रही थी बच्ची, बिल्कुल भी नर्वस नहीं हो रही थी, सच में बहुत कॉन्फिडेंस था इस बच्ची को। सैल्यूट है क्योंकि इतने सारे लोगों के बीच नाचना बहुत बड़ी बात है, इतने खुल के नाच रही थी। देख लीजिए
अब याद आ गया होगा आपको गाना पानी छल के। हाँ गाइस ये गाना वही है पानी छल के। आप लोग भी सोच रहे होंगे स्टेप देखकर, और देख लीजिए कितनी प्यारी मूर्ति है। थोड़ा सा आगे बढ़ते ही हमने एक और मूर्ति देखी, यहाँ पर और भी प्यारा पंडाल लगा हुआ था। और देख लीजिए, वैसे तो भगवान को कंपेयर नहीं किया जा सकता, पर बहुत ही सुंदर मूर्ति थी।